हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में नदियों से संबंधित एक या दो नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 प्रश्न बताऊंगा और उससे रिलेटेड और भी तथ्य मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। आप उसमें अपने आंसर को सोच करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाता है? ऑप्शन आपका दिया है ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, कोसी नदी, चंबल नदी। तो आपका आंसर जो है डी नंबर से हो जाएगा, चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चंबल नदी के बारे में मैं आपको और भी बता दूं, तो चंबल नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है और यह जो है जानापाव पर्वत के महू से निकलती है और इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। और इसी सहायक नदियां जो हैं सिप्रा है, सिंध है, काली सिंध है और कुनू नदी है। दूसरा प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन आपके 4 दिए हुए, कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी और कावेरी। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। और आपको गोदावरी के बारे में और भी चीज़ बता दूं, तो इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिम घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ का नाम बता देता हूँ, तो प्राणहिता है, इंद्रावती है और मंजीरा है। और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजामुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके 4 दिए हुए, यमुना, चंबल, नर्मदा और कृष्णा। तो इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नर्मदा नदी के बारे में आपको बता दें, तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और मध्य प्रदेश में इसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह जीवन रेखा बोला भी जाता है। और यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से इसकी उत्पत्ति हुई है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है। अब प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपको कावेरी नदी के बारे में बता दें, तो यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है और यह दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो सिमसा है, हिमावती है और भवानी है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, लूनी, गंगा, तिस्ता और व्यास। तो अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देवप्रयाग, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा हरिद्वार, चौथा ऋषिकेश। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देवप्रयाग जो है उत्तराखंड का एक नगर है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, गंगा, सिंधु, महानदी और ब्रह्मपुत्र। तो महानदी जो है वो एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। और महानदी के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, तो महानदी का उद्गम जो है रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहवा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है और प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोपला था और महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? ऑप्शन चार दिए हुए, हुगली, पद्मा, पसुर और यमुना। तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर डी यमुना सही हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती है? ऑप्शन आपके दिए हुए, कावेरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। तो आंसर होगा नर्मदा नदी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, दसवां नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग एक NW1 स्थित है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है गंगा, दूसरा महानदी, तीसरा बराक, चौथा नर्मदा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, मैं इसका अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड। आज के लिए थैंक यू।